देखो जी बलोचिस्तानी पकड़े ने सियालकोटी देख सकते हो तुम प्हाड़ी पकड़े ने ऐसे सिंह देखो सिंह जी जी ये मैंने बकरा पसंद किया अभी तो इसका ये बोल रहे हैं 35,000 यानी कि 35,000 रुपया इसमें कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। अभी हम इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें कुछ डिस्काउंट मिलता है या नहीं मिलता, वो बात करने के बाद हमें पता चलेगा। तो अभी हम और भी कुछ देखते हैं तो जैसे कोई पसंद आएगा हम वेट करेंगे और उसको खरीदेंगे भी इंशाल्लाह। देखो जी सिंह देखो जी इन्हों माशाल्लाह टकरा एक दूसरे को मारते पे ना देखो मंडी च आए हैं अभी आप किन्ने बकरे थोड़े कोल इस टाइम बकरे हैं 7-8 दाने ना रेट घट ला दी आखरी दिन सस्ता मिर्ची मालू इस वजह ना ला देना थोड़े देखो जी ए भाई होनी देखो जी काला भाई अच्छा तो जी तनवीर भाई आप क्या कहना चाह रहे हो जी मैंने आपको दोबारा इसलिए बुलाया कि ये हमारे काला भाई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह जी तो इनसे मैंने पहले बात की थी लेकिन ये बोल अच्छा एक सेकंड तनवीर भाई एक सेकंड इसका जो काला भाई नाम है माशाल्लाह बहुत फनी नाम है इसकी फेस की वजह से है या इसका जो निक नेम है कुछ लोग वैसे ही बचपन में शौकिया तौर पर निक नेम के नाम पर नाम रख देते हैं इसकी वजह से वो मरते दम तक यही नाम चल रहता है और इनका नाम यही बनता था। ठीक हो गया सर और हमें हमसे क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं ये इनके पास माशाल्लाह बहुत सारे खूबसूरत से पहाड़ी नस्ल के बकरे हैं और ये इनकी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेंगे और इनके रेट वगैरह भी बताएंगे। सबसे पहले ये बताएं कि ये कहाँ से हम आए यहाँ मेहमान बनकर आया किस कंट्री से आए हैं कहाँ से आए हैं ये जी बलोचिस्तान से यहाँ पे आए हैं जी जी ये यहाँ पे मेहमान है हमारे पास हम कोशिश करेंगे इनकी जितनी इज्जत हो सके वो करें और इनके जो बकरे हैं वो भी चेक करें और इनका रेट भी अच्छा सा लगा के दें। अच्छा तो काला भाई जान का नाम तो बहुत प्यारा है लेकिन बोलते बहुत कम है इसका कोई वजह जी वो कोशिश करता हूँ इनसे मुझे बताएं कि ये आप कहाँ से लेके आए बकरे थोड़ा सा ऊंचा बोलें ऊंचा बोलो जी ये कोटा बलोचिस्तान से लेके आए हैं ये वाले बकरे और ये बहुत शर्मा रहे हैं शायद अपनी बीवी के डर से कि कहीं वो ना वीडियो पे देख ले शादी नहीं आपकी तो फिर आप शर्मा क्यों रहे हैं अच्छा तो नाजरीन आप लोग देख सकते हैं कि इस भाई का नाम जो फनी नहीं है अभी ये भाई खुद भी बहुत ज्यादा फनी है सिर्फ कैमरे की वजह से ये थोड़ा सा लटखड़ा गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफी ज्यादा आवाम है ये सिर्फ इनकी फनी बातें जो है ना सुनने के लिए आए हैं लेकिन सभी आवाम देख वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं तो इसलिए कुछ बोल ही रहे जी सीएम भाई आगे हमें कुछ विजिट करवाएंगे आप जी भाई आप मेरे साथ आए इंशाल्लाह अभी काफी बड़ी है मंडी और देखते हैं हमें किस किस टाइप के कौन कौन से जानवर मिलते हैं आज जी भाई जान शाम होने वाली है जरा जल्दी विजिट करवाएं हमें ठीक है जी अभी मैं मंडी में आगे की तरफ जा रहा था और मुझे रास्ते में मेरा एक दोस्त मिला है मैं उससे बात करता हूँ और आपको भी मिलवाता हूँ और पूछता हूँ कि वो यहाँ पे कुछ खरीदने आया था उसे कुछ मिला या नहीं आए उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त कैसे हैं आपकी तबीयत कैसी है तो अभी मैंने आपको देखा यहाँ पे कि आप घूम रहे थे तो मैंने सोचा कि आपसे बात करूँ आप यहाँ पे आए हैं बकरा खरीदने और लेने आपको पसंद आया तो रेट पसंद आया यहाँ पे थोड़ा सा लाउड बोलेंगे क्राउड काफी आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे मैंने बोला जी हम देख के आए हैं पैरा लिया हमने अच्छा तो काफी अच्छे रेट में मिल गया तो भाई वो कितने में आपको मिला है और किस टाइप का ये 64,000 में आपने लिया बेटा
सही हो। तो आप कुर्बानी उसको पहले दिन करने वाले हैं या दूसरे दिन करने वाले? आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं है। और ओके, बेस्ट ऑफ लक, सी यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। जी तनवीर भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा जानवर है, इसके बारे में आप बताओ। जी भाई, अभी मैंने पूरी मंडी घूमी है और मुझे इस तरह का जानवर माशाल्लाह अभी और किसी जगह पे नहीं मिला। ठीक है, ये मंडी में सबसे हेल्दी और खूबसूरत जानवर है और मेरी कोशिश यह है कि मैं इसी को खरीदूँ और इसके मालिक से बात करूँ और पूछूँ कि वो इसका क्या रेट लगाता है और हमें कितने तक मिल जाएगा। अच्छा भैया, सबसे पहले इसके ऑनर से हमें इसकी जो नस्ल है ना वो बताएं। जी आए, इसके ऑनर के पास चलते हैं और पूछते हैं कि इसकी नस्ल क्या है और ये है और ये कहाँ से लेके आए, किस नस्ल का है। जी भाईजान, आप मुझे बताइएगा कि ये किस नस्ल का बकरा है और माशाल्लाह आपने इसकी काफी खातिर सेवा की है और काफी हेल्दी है और इसका रेट क्या है? 40,000। जी आप थोड़ा सा लाउड बोलेंगे क्योंकि क्राउड काफी है, हमें समझ नहीं आ रहा। जी ये 40,000 बता रहे हैं और ये है राजनपुरी। ठीक है, तो अभी हम कोशिश करते हैं फाइनल इनसे बात करने की, ये हमें फाइनल कितने का मिल जाएगा। अच्छा भाई जान, वो तो रेट का बात में मसला ना, सबसे पहले हमारी ऑडियंस के साथ आप ये शेयर करें कि इसके जो मेहनत की है ये कितने मंथ की मेहनत है या सालों की है। जी आप मुझे बताएं कि आपने कितने टाइम में तैयार किया है इसको माशाल्लाह? 8 मंथ। जी ये 8 मंथ में बोल रहे हैं कि हमने इसे तैयार किया है और आपके सामने रिजल्ट भी है कि माशाल्लाह उन्होंने कितना खूबसूरत तैयार किया हुआ है। और माशाल्लाह इसका वेट जो है वो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? जी आपको आइडिया है कि कितने केजी होगा ये? जी ये बोल रहे हैं कि जी ये कम से कम 200 केजी का होगा ये। माशाल्लाह बहुत हेल्दी बकरा है और इसकी रेट क्या है, वो जो इसकी नस्ल है वो कौन सी है? राजनपुरी। राजनपुर। जी माशाल्लाह काफ़ी है। और अभी लास्ट में बताएंगे आपके ये मुंह से क्या है? मुंह से चौगा। मुंह से चौगा। छोटे भाई आप चेक करवा सकते हैं? जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं ये मुंह से चौगा है, 4 दांत वाला है, 4 से भी 6 हैं लेकिन 4 जो है ना वो काफ़ी ज़ाहिर हो रहे हैं। अच्छा तो सैम भाई आपको ये पसंद है? जी मुझे बहुत पसंद है। और स्टार्टिंग में आपने मुझे कहा था कि मैं भी आज यहाँ से कोई जानवर खरीद कर जाऊँगा, इंशाल्लाह जो प्यारा होगा वो लेकर जाऊँगा। तो ये माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है, आपको कैसा लगा और आपकी कोशिश होगी अब यहाँ से लेकर जाने की? जी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है और मेरी कोशिश है कि मैं इसको यहाँ से लेके जाऊँ और इंशाल्लाह आप भी। अच्छा कितना? ये 2 किलो दूध पींदा है जी, 1 किलो दही खाता है जी, ठीक है, अंडा खाता है जी। ठीक है जी, ने मुझे बताया है कि इसका जो डेली खुराक है वो 2 केजी मिल्क है और 1 केजी योगर्ट यानी कि दही है और ये सिरका तो जरूर खाता होगा क्योंकि काफी गर्मी है इस वजह से। अच्छा तो तनवीर भाई लास्ट में आपका रेट हो गया है या अभी आपने करना है कुछ? जी अभी मैं इनसे रेट करके उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि ये मैंने खरीदा अभी या नहीं खरीदा, उसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। हाँ तो नाज़रीन माशाल्लाह जानवर आप लोगों के साथ हमने शेयर किया है, काफी खूबसूरत है जानवर और अभी जो है ना मेरा कजन यहाँ से खरीदेगा और फिर क्या रेट हुआ है क्या होता है वो आपके साथ हम बाद में शेयर करेंगे। तो चलते हैं किसी नेक्स्ट बकरी के पास, कोई नेक्स्ट जानवर है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं।